केजरीवाल का तो चलना ही है ये, और किसी ने भविष्यवाणी की हुई है कि 2025 में ये पार्टी खत्म होनी है। ये मैं भूल रहा हूँ किसने की है, लेकिन की है कुछ, मैं भूल गया हूँ, किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ही कहा था, मैं ध्यान अच्छा नहीं आ रहा अभी कौन एकदम, कि ये 2025 तक जिस जिस तरीके से, जिस राह पे ये पार्टी चल रही है, 2025 तक लोगों का मानना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा दिल्ली का, उसमें ये हाँ पार्टी खत्म हो जाएगी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फिर से वो पुरानी वाली जो स्थिति है वो फिर से हो जाएगी। यार केजरीवाल तो, केजरीवाल के जेल जाने से ही तो सब कुछ शुरू होगा। तो केजरीवाल जो है, देखिए देखिए, जब तक केजरीवाल बाहर है तब तक ये जी पार्टी चलती रहेगी किसी भी तरीके से। जी भाई सत्येंद्र जैन गए तो मनीष सिसोदिया आ गए, मनीष सिसोदिया चले गए तो राघव चड्ढा आ गए, आतिशी आ गई, तो सौरभ मतलब भारद्वाज एक बैकअप लाइन जिसे कहते हैं सेकंड थर्ड लाइन बनी हुई है, क्योंकि एक मेन जो एंकर होता है पार्टी का वो मौजूद है, अरविंद केजरीवाल बाहर। लेकिन सही धीरे बात धीरे मुझे लग रहा है कि जिस तरह की चीजें बदलेंगी, ये जो IND वाला जो इंडी अलायंस बना है, इसमें जिस तरीके से केजरीवाल की भूमिका को लोग देख रहे हैं, संदिग्ध तरीके से जिस तरह से उन्हें देखा जा रहा है, तो राजनीतिक जो परिपेक्ष है, मतलब राष्ट्रीय जो परिपेक्ष है, उसमें अरविंद हाँ केजरीवाल की भूमिका कहीं बनती हुई नजर नहीं आ रही। अरविंद केजरीवाल एक सुपर एम्बिशियस पर्सन है कि साहब, उन्हें यह लग रहा था कि जिस तरीके से हमने राइज किया, लगातार 2 बार चीफ मिनिस्टर बन गए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार पंजाब में बना ली पहले ही चुनाव में, जो ढंग से लड़ा गया, तो उन्हें यह लग रहा था कि मैं 2024 में PM पद का दावेदार हूंगा। वो लेकिन तो सब डिजर्व कुछ चीजें करता है। आपके हिसाब से नहीं होती, जिस तरीके से सब सोचते हैं उस तरह से अगर होता तो राहुल गांधी कब के PM बन गए होते। ये भी तो ठीक राहुल गांधी पे देखिए आई गया जिक्र, आपने कहा उन्होंने गीता पढ़ ली और सब पढ़ ली है, लेकिन अब उनसे ये पूछना पड़ेगा कि वो मटन खाने से पहले पढ़ी थी या मटन खाने के बाद पढ़ी है। कल का आप इंडियन, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए संडे का, उसमें ओपेड जी पेज पे एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है कि हाँ राहुल गांधी ने मटन को प्रमोट किया और नरेंद्र मोदी ने मिलेट को प्रमोट किया है, हाँ अभी हाँ जी Group 20 में एक बहुत जी जी शानदार आर्टिकल छपा हुआ है, जरा आप उसे जी पढ़ना, मजा आएगा आपको। तो जी ऐसी बात जी नहीं है, इन सब चीजों का आकलन होता है। और देखिए, जब आप ये कि दिखाने लगते हैं कि साहब, अन्ना मलई का वीडियो आपने देखा है जो मैंने अपने चैनल पे भी हाँ डाला था, वो जी 11 मिनट जी का जी वीडियो है, उस उन्होंने 11 मिनट बिल्कुल का धुआं धुआं उड़ा दिया, बिहार की भाषा में कहते हैं ना गर्दा उड़ा दिया, वो गर्दा कितना उड़ा दिया। शानदार उस बंदे ने बोला है। और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी वो शख्स हैं जो एक स्टेट में अमर, एक में अकबर और एक में एंथनी बन जाते हैं। कितनी एग्जैक्टली कितने टू दी पॉइंट बात कही राहुल गांधी के बारे में उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल ED वगैरह की बीट देखते हैं, उनसे मैंने बातचीत की इस बारे में, उनसे जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये किसी बड़े अखबार ने किसी इस खबर को भी फ्लैश नहीं किया, ये खबर 2 दिन से चल रही है कि ये सरकारी गवाह बन गए हैं, ये ठीक अभी सूत्रों के हवाले से ही चल रहा है। और देखिए इसमें मुझे इसका तार कहां से जुड़ गया है, जी अगर ये सही में हुआ भी है, इसका तार चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी और सब उन चीजों से जुड़ जाता है वहां पे। मैं बताता हूँ जी YSRCP में क्या हो रहा है इस समय, जगन मोहन रेड्डी 21 सितंबर तक के लिए इंडिया में नहीं है, हाँ विदेश ठीक गए है हुए हैं, और हाँ वो अभी जो Group 20 की जो मीटिंग हुई थी जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर थे, बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाया कि यार जगन मोहन रेड्डी तो खास आदमी है मोदी के, नवीन हाँ पटनायक है, दोनों ही नहीं आए, दोनों ही विदेश दौरे पे गए हुए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है जी कि दोनों एक साथ गए हैं, कहां गए हैं मुझे नहीं पता। और ये बताया जाता है कि नवीन पटनायक तो शायद 12 या 14 साल के बाद विदेश यात्रा पर गए हैं किसी, जी जी और ये जगन मोहन रेड्डी अभी रिसेंटली गए, और ये 21 सितंबर तक आएंगे, और ये सब चीजें प्लान हो गई हैं पहले से ही। ये जो चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी है वो पहले से ही प्लान करके गए थे कि मैं बाहर जाऊंगा, मेरे पीछे आप गिरफ्तार करा लेना, मेरा फोन उठने वाला नहीं है, फिर लोग फोन करें चाहे वो अमित शाह करें कोई भी करें, तो मैं नॉट रीचेबल रहूंगा, क्योंकि ठीक उन्होंने ये ठान लिया है कि जैसे जगन मोहन रेड्डी को इन्होंने गिरफ्तार करवाया था 2012 की बात है शायद, इस समय की बात है, UPA की सरकार में, हाँ जगन भी हाँ 14-15 दिन अंदर रह के आए थे जब इन बिल्कुल पे जो आय से अधिक संपत्ति वाले मामले लगाए गए थे, तो उस समय चंद्रबाबू नायडू की बड़ी भूमिका थी, बुरा रिवेंज चल रहा था, तो वो तो अपना रिवेंज ले रहा है जगन मोहन। तो मुझे लग रहा है कि इसकी जो तार है YSRCP के, हो सकता है ये कह दिया गया हो जगन मोहन रेड्डी से कि भाई अगर आपका आदमी सरकारी गवाह बन जाता है तो कुछ रिलीफ मिल सकता है। हाँ आप केजरीवाल, आप बता दो क्या क्या केजरीवाल की क्या सेटिंग थी, तो बाकी हाँ चीजें तो सब मैनेज कर ली जाती हैं। देखिए ये तो गिव एंड टेक है,
आप हमें कुछ दोगे हम भी आपको कुछ देंगे। एन चंद्रबाबू नायडू पिछले महीनों में 2-3 बार होके आए दिल्ली, हाँ। उन्होंने लगातार प्रेशर डाला, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले कि भाई आप मुझे हाँ या ना कर दो गठबंधन हाँ। में लेने के लिए, एनडीए में लेने के लिए, लेकिन उन्हें होल्ड पर रखा गया, ना हाँ की गई ना ना की गई। और जबकि जगन मोहन रेड्डी सिर्फ एक बार मिलने के लिए शायद जून में गए थे, और जून में गए थे, और उसके बाद पैकेज दे दिया उनको लंबा चौड़ा। तो वो तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार क्या चाह रही है। सरकार खुद ही सरकार खुद यही चाह रही है कि जगन मोहन रेड्डी को हमें साथ लेकर चलना है। चंद्रबाबू नायडू को साथ लेने से उन्हें कोई फायदा नहीं है। चंद्रबाबू नायडू जिसे कहते हैं कि राजनीति की भाषा में कि छूटा हुआ कारतूस है, उसी तरीके से पार्टी उन्हें ट्रीट कर रही है। तो ये समीकरण मुझे लग रहा है कि जो आपने ये खबर बताई है, इनके राज्य इनके जो सांसद हैं, ये इनकी जो घटना हुई है कि सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं, इससे पहले एक और भी सरकारी गवाह बन चुके हैं इसमें मामले में, मेरे ध्यान नहीं आ रहा उनका वाले जो है वो दो लोग बन चुके हैं इसमें सरकारी गवाह। और देखिए सरकारी गवाह बनेंगे तो ये मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, फिर तो सारी परतें उतर जाएंगे और फिर के कविता का भी नंबर आ जाएगा बहुत जल्दी। गांधी इस उपनिषदन की बात करता है, सनातन धर्म पे सवाल उदय निधि उठा रहा है, इनकी तो बात समझ में आती है, इनकी तो कांग्रेस प्रो कांग्रेस और प्रो मुस्लिम इस तरह की राजनीति हमेशा से रही है। ये देखो ना उद्धव ठाकरे को क्या हो गया, उद्धव ठाकरे बताइए क्या कह रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय ऐसी गोधरा जैसी घटना हो सकती है, बीजेपी करवा सकती है ऐसी घटना। अरे भाई जिस पार्टी का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पे पड़ा, भगवान शिव के नाम पर, जिसका जो चुनाव चिन्ह है वो भगवान राम का धनुष बाण है, तो आप उस पार्टी का आदमी ये कह रहा है कि इस तरह की घटना उस समय कराई जा सकती है। तो ये इंडी अलायंस में जो है, सबसे पहले जब किसी भी पार्टी का सत्यानाश होना शुरू होता है तो सबसे पहले चारित्रिक रूप से पतन होता है, कैरेक्टर गिरता है सबसे पहले, कैरेक्टर गिरता है एग्जैक्टली। और जब कैरेक्टर गिरता है तो पार्टी को गिरने में देर नहीं लगती है। अरविंद केजरीवाल का भी कैरेक्टर के दम पर ही वो चीफ मिनिस्टर बने, और जब उनका कैरेक्टर ही गिरेगा ना तभी उनकी पार्टी खत्म होगी। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कैरेक्टर से खत्म हुई है, अपने चरित्र से खत्म हुई है, अपनी बेसिक्स को उन्होंने छोड़ दिया इसलिए खत्म हो गई। अभी भी अखिलेश यादव क्यों बचाने में सफल हो रहे हैं, वो बेसिक नहीं छोड़ रहे हैं, जो प्रो मुस्लिम उनकी चीज है। अभी भी 100 से ज्यादा विधायक जिता लिए उन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, exactly। और अभी भी कहने के लिए कुछ उनके पास है नहीं ऑफर करने के लिए, लेकिन फिर भी एक जिद पकड़ के बैठे हुए हैं कि मुझे यूपी में ये करना है, मुझे इतनी सीट चाहिए, एक अपनी जिद पे बने हुए हैं। बाकी जिन लोगों का चरित्र नहीं है वो क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग किस आधार पे करेंगे जब आप खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं, अपनी आइडियोलॉजी को आपने छोड़ दिया है, आप किस आधार पर इंडिया अलायंस में अपना वजूद बनाएंगे? बरखा दत्ता जो है टूल किट का हिस्सा नहीं है। बरखा दत्ता क्या है? बरखा दत्ता का जो है कनेक्शन सीधा कश्मीर से है। बरखा दत्ता का वैसे तो देखिए मुझे ये पब्लिकली ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ आप कभी गूगल कीजिए रखिएगा तो कुछ लोगों का कहना है कि कश्मीर के एक बड़े नेता से इनकी शादी हुई थी, बरखा दत्ता से, बरखा दत्ता की, और क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूं मैं, वो मिनिस्टर भी रहे हैं वहां पे, अभी भी हैं। तो बताते हैं कि इन्होंने दोनों ने गुप्त शादी कर ली थी, और इसमें जो है फारूक अब्दुल्ला वगैरह इनकी जो है कुछ बातचीत रही थी। देखिए मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, लेकिन मैंने भी खबर ये कहीं पढ़ी थी, तो उनसे इनकी शादी हो गई थी। तो इनका एक तो कश्मीर में बहुत पुख्ता सबूत है, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो एनडीटीवी में हुआ करती थी बरखा दत्ता, तो इन्होंने बड़ी उसे जबरदस्त कवरेज की थी और महीनों तक वो वहां पे रही थी। तो कश्मीर से उनका सीधा कनेक्शन है, जिसका कश्मीर से अटैचमेंट हो जाता है उसको पाकिस्तान से अटैचमेंट हो ही जाता है, इसमें कोई बात नहीं है, स्वाभाविक है। और ये जो बाकी तीन आपने बात कही, राम मंदिर वाले सतपाल मलिक जो ढोल बजता रहता है वैसे ही, ये जो तीनों लोग हैं ये तो टूल किट का हिस्सा है, तो एक्टिव होंगी ना, अभी शुरू होंगी ना, अभी हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई थी वो सब चीजें आई गई, अभी फिर न्यूयॉर्क टाइम्स का कोई कवर आ जाएगा, वाशिंगटन पोस्ट का कोई आर्टिकल आ जाएगा, तो ये तो एक प्रोसेस में सब चीजें आती हैं, चुनाव आने तक धीरे धीरे आएंगी। अभी राम मंदिर है तो चूंकि राम मंदिर के बारे में निश्चित रूप से इस तरह की बातें कही जाएंगी, इन सबको लग ही रहा है कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर से पहले चुनाव नहीं कराएंगे। कुछ लोगों ने इस बात की उम्मीद लगाई थी कि राम मंदिर से पहले चुनाव होंगे, लेकिन राम मंदिर जैसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस करेंगे मोदी, ये भी ठीक, वो तो उसका क्रेडिट लेंगे पूरा। तो ये उस क्यों नहीं लेंगे, उसका जो
क्या कहना चाहिए कि उसका जो एक पूरे देश में जो मैसेज जाने वाला है उसको क्या कहना चाहिए कि उसे डाइल्यूट करने की कोशिशें की जा रही है। तो और भी चीजें होंगी, अभी कुछ और चीजें भी सामने आएंगी निकल कर, अभी तो शुरुआत है। आप देखिएगा इनकी जो ग्रेविटी है वो और बढ़ने वाली है इन सब चीजों की। देखिये G20 समिट का अगर हम विपक्ष के नजरिए से आकलन करेंगे तो वो बहुत छोटी चीज होगी। इसको ये वैश्विक चीज है, आपको पता नहीं है, पता नहीं कितने लोगों को पता है कि जो जस्टिन ट्रूडो है वो 24 घंटे से दिल्ली में ही फंसे हुए हैं। अभी निकले नहीं है वो दिल्ली से, कल रात की उनकी फ्लाइट थी और खबर ये आती है कि उनकी फ्लाइट में उनके प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है और वो फॉल्ट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, यही होटल में ही रुके हुए हैं। और वो जो पतवंत क्या है वो पन्नू जो खालिस्तानी वहां पे है उसने बताया जाता है कि वहां कोई रेफरेंडम कराया है 7,000 और 8,000 लोगों का, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने बात ही नहीं की जस्टिन ट्रूडो से, जिस तरीके से बाकी सब लोगों के साथ फोटो खिंचवाए। मेलोनी है जो इटली की, वो तो वायरल होगी उनके साथ तो उनकी वीडियो मोदी जी की। हाँ, और बाइडेन और ऋषि सुनक ने तो कमाल ही कर दिया। ऋषि सुनक ने तो जो इंडिया का सनातन धर्म वाला और ये सब है इसको लेकर जिस तरह के उन्होंने इंटरव्यू दी है यहाँ पे कि मैं गर्व से हिंदू हूँ और मैं कलावा पहनता हूँ, मैं जन्माष्टमी नहीं मना पाया इसलिए मैं यहाँ मंदिर जाना चाहता हूँ। वो जो मैंने तो कल वीडियो भी इसी पे बनाया था कि इसका जो मोदी ने जवाब ये छोटे मंच से नहीं दिया, देश दुनिया के सबसे बड़े मंच से जवाब दिया सनातन धर्म को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया सारी सब जगह आप देख लीजिए, अपनी कल्चर जिस तरीके से उन्होंने वहां पे लोगों के सामने रखा। इवन राजघाट पे कल जब सुबह सारे के सारे लोग गए थे ग्रुप के, ये सारे लोग 2-3 मुस्लिम लीडर थे वो नहीं गए थे वहां पे केवल, क्योंकि उनके यहाँ समाधियों पे जाने का कुछ कल्चर नहीं है, ओमान वगैरह के शायद थे लोग। तो ये जब वहां गए थे वहां पर भी उनका बड़ा स्वागत किया गया, साबरमती आश्रम का सेट लगाया गया, सारी चीजें दिखाई गई। तो नरेंद्र मोदी ने बड़े वैश्विक मंच से इस चीज को उठाया है। इसका विपक्ष की तो सोच बहुत छोटी है कि साहब खड़गे को खाने पे क्यों नहीं बुलाया। अरे भाई नहीं बुलाया वो, आप बताओ कि आप कई बार आप देखिए कि आपका कोई मित्र है बहुत पुराना मित्र और वो अपने घर में कोई फंक्शन करता है तो और आपको वो बुलाना भूल जाए, या वो आपको ठीक है वो आपको नहीं बुलाना चाहता तो आप उसका ढिंढोरा थोड़े पीटेंगे, यार मुझे नहीं बुलाया। क्या कहना चाहिए, जो संवैधानिक पदों पर लोग हैं जैसे चीफ मिनिस्टर्स थे सारे, केंद्रीय मंत्री थे, इस सुखू गए और सुखू ने तो बताते हैं कि वहां भी नरेंद्र मोदी से पैकेज मांग लिया तो क्या बुराई है। अगर आप अपने स्टेट के लिए कोई बात करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर से 5 मिनट बात करने का मौका अकेले में मिल रहा है तो क्या बुराई है इसमें। देखिए बिल्कुल अच्छी बात है ये, इसमें वो आप ममता बनर्जी एक दिन पहले पहुंच गई, उधर रिजल्ट आ रहा था वहां बाईपोल का और ममता बनर्जी एक दिन पहले ही आ गई थी दिल्ली में, दिल्ली में एक दिन पहले ही पहुंच गई थी भाग लेने के लिए। हेमंत सोरेन आए हुए थे, तो हेमंत सोरेन आए हुए थे, वो अपना अपनी जिम्मेदारी निभाई है। खड़गे साहब का मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के नेता होने के, भाई काहे के विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता के तो होने का राइट ही नहीं है कांग्रेस के पास, इतने से सांसद इनके लोकसभा में भी नहीं है, वहां पे भी जबरदस्ती बने हुए हैं ये अधीर रंजन चौधरी। नमस्कार, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।